हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन के बारे में। अमेरिकी राजनीति में करीब 5 दशकों से सक्रिय जो बिडेन ने सबसे युवा सीनेटर से लेकर सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक का शानदार सफर करके शनिवार को इतिहास रच दिया। 77 वर्षीय बाइडेन 6 बार सीनेटर रहे और अब अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबिनेट बिडेन सीनियर है। इनका एक ऑयल का बिजनेस था, लेकिन इनके जन्म के बाद से इनकी कंपनी घाटे में जाने लगी थी। वह अपने बचपन में ही डेलावेयर चले गए थे। जो बाइडेन ने राजनीति में आने से पहले कुछ दिनों तक एक वकील के रूप में काम किया। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में 3री बार उतरे हैं। उन्होंने पहली कोशिश 1988 के चुनाव में की थी, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनाव के लिए की। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वह ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफ़ी जोर लगाते दिखे हैं। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाइडेन अपने बेटे को देखने के लिए विल मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एम ट्रैक ट्रेन से सफ़र करते थे, जिसके बाद वह एम ट्रैक जो नाम से लोकप्रिय भी हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन वैलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 40 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो एक वकील और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार आरोपों का निशान रहा है। पत्नी नीलिया की मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की। उनकी एसली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। तो दोस्तों, जो बाइडेन की जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। अब देखना यह है कि अब भारत के लिए कितने अच्छे साबित होते हैं, तो हमें ये सब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।